Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द स्पीडी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास आपकी 4 बजे नहीं चल पाई क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और यहाँ भी अमेठी में हूँ मैं इस समय, और अमेठी में नेटवर्क की समस्या कुछ ज़्यादा ही रहती है। और आप लोगों को मैंने नोटिफिकेशन दिया था, नीचे मेरा नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, और मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं अपने ग्रुप में आपको जोड़ दूँ, जिससे मेरी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डाइस कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से हमने टाइप 1 पर डिस्कस किया था कि जब एक सतह कॉमन दी गई हो। तो आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे और आज जो डाइस है उसको समाप्त कर देंगे, ताकि हम कल क्वेश्चन लगाएं। उसके बाद फिर कल और परसों शायद 2 क्लास लगेगी क्वेश्चन पे, उसके बाद हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे, खुला हुआ पासा पढ़ेंगे। तो जो चूंकि आज की जो क्लास है बंद डाइस में, बंद पासे में, कुछ कठिन नहीं है, सब सामान्य प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न रहते हैं। जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे रहते हैं खुले हुए पासे में। तो परसों की क्लास जो हमारी रहेगी खुला हुआ पासा, कल और परसों हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने ग्रुप पर भेजा था, केवल एक सीट भेजी है, अभी एक प्रैक्टिस सेट भेजा है और 120 क्वेश्चन का हमारे पास दूसरी सीट है। तो आप लोग जो है नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद ताकि जो है हम जो क्वेश्चन बताना रहेगा उसको मैं आपको सीट में दे दूंगा, फिर तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन जो आप डाउट पूछेंगे उसको भी फिर मैं वहीं पर करा दूंगा। तो डाउट का क्लास जो आपका रहेगा वो परसों का रहेगा, परसों आपका डाउट क्लास चलेगी और जो भी डाउट आपका रहेगा आप वहां पे पूछ सकते हैं। आप एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। हेलो रौनक, मुकेश, सुनील, सुधीर, पुनीत, सौम्या, शिवानी, सेजल, गुड इवनिंग। आप सभी लोग जो है जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास किया कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ा करें, ठीक। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो अगला टॉपिक है, जब 2 सतह कॉमन हो, ठीक। हम लोग केस 2 पढ़ रहे हैं और केस 2 का मतलब ये हुआ, केस 2 में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब हमको 2 फिगर दिया गया हो। क्या दिया गया हो? जब हमको 2 फिगर दिया गया हो, और 2 फिगर में हमने कल एक पढ़ा था कि जब 1 सतह कॉमन हो, आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे जब 2 सतह कॉमन हो। 2 सतह कॉमन का मतलब क्या होगा भाई? देखिए, 2 सतह कॉमन का मतलब कि मान लीजिए कुछ भी हो, 4, 5, 6, 4, 6, 3, फिर 3, 4, 2, 2, 4, 5, मान लीजिए यही दिया गया है। अब देखिए, अगर 2 सतह कॉमन होगी तब उसमें जो है विपरीत कैसे निकालेंगे, हम लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, मेरे 2 क्वेश्चन एक साथ लिखा हुआ है। जैसे अगर अभी इसी में पूछ ले, इसमें अगर पूछ ले कि जो है हमको बताइए 5 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ ले 4 का विपरीत बताइए, या फिर पूछ ले 6 का विपरीत बताइए, ठीक, तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो उसके लिए आप समझ लीजिए, जो कॉमन दिख रहा है, अगर 2 सतह कॉमन है तो उन दोनों सतहों को हटा दीजिए। जैसे 4 और 6 इसमें भी दिख रहा है, 4 और 6 इसमें भी दिख रहा है, जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत है, मतलब कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहीं समस्या? अगर आपको 2 सतह कॉमन दिख रही है तो आप कॉमन सतह काट दीजिए, जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कहीं समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये तो
5, लेकिन अभी पूछ रहे 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग केवल एक चीज याद रखिए कि निकटतम सतह जो दिखेगी, मतलब जो सतह हमको दिखेगी वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, मतलब कि ये 4, 6 और 5 कभी भी विपरीत नहीं होंगे आपस में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4 का विपरीत 5 हो या 4 का विपरीत 6 हो या 6 का विपरीत 5 हो या 5 का विपरीत 4 हो, ऐसा कभी नहीं होगा। जो दिखेगी सतह आपको वो कभी विपरीत सतह नहीं होगी। तो जो सतह दिखती है वो निकटतम संख्या होती है। तो चलिए अगर हम 4 की बात करें तो देखिए 4 का विपरीत क्या नहीं हो सकता भाई, 4 का विपरीत 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 दिख रहा है, 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता और 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 5 का विपरीत है, मतलब 4 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 दिख रहा है, 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 दिख रहा है और 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 5 का विपरीत है। तो हमारे पास बची कौन सी संख्या, हमारे पास संख्या बची 4 बची 2 बची और 1 बची, ठीक, यानी कि 4 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा और या तो 4, तो 1 या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 4 तो है ही है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा, कहीं समस्या, जो सतह आपको दिख रही है ना वो कभी विपरीत नहीं होगी, मतलब 4 के विपरीत ना तो 6 होगा ना तो 4 होगा ना तो 5 होगा, तो 6 5 और चूंकि 5 के विपरीत 3 है इसलिए 3 भी नहीं होगा। तो बची कौन सी संख्या हमारे पास, हमारे पास बची 2 और 1, इसका मतलब 4 के विपरीत या तो 1 होगा और या तो 2 होगा। उसी तरह अगर अभी 6 की बात करें तो देखिए 6 के विपरीत या तो 4 तो होगा नहीं, 6 के विपरीत 5 नहीं होगा और अगर 5 नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो 6 के विपरीत ना तो 4 होगा ना तो 5 होगा ना तो 3 होगा, तो बचा कौन भाई, बचे हमारे पास क्या, हमारे पास 1 बचे 2 बचे, यही तो बचा, इसका मतलब 6 का विपरीत 2 होगा या 1 होगा। अब देखिए दोनों चीज अलग अलग है, यहां 1 2 लिखा हूं, यहां 2 1 लिखा हूं, मतलब अगर 4 के विपरीत 1 होगा तो 6 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा तो 6 के विपरीत 1 होगा। तो ये चीज है, जैसे देखिए अगले वाले क्वेश्चन में तब आपको और समझ में आएगा। अगर अभी इसी में बात करें कि 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक, तो देखिए हमको कौन कौन सी सतह दिख रही है, 3 दिख रहा है 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है 2 दिख रहा है और एक चीज समझिए, 3 के विपरीत 5 है जिसका मतलब 5 भी इसका विपरीत नहीं होगा, तो मतलब 3 2 5 ये 3 संख्या इसके विपरीत नहीं होंगी। तो बची कितनी संख्या, 2 संख्या बची भाई, चूंकि देख रहे हैं 2 3 4 5 हमारे पास बचा क्या, 6 बचा और 1 बचा, इसका मतलब 4 का विपरीत या तो 1 होगा और या तो 6 होगा। समझ रहे हैं आप लोग, कमेंट करिए बताइए जल्दी जल्दी, समझ रहे हैं या नहीं कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं फिर आगे देखिए, अगर अभी 2 के विपरीत पूछा जाए, ठीक, किसके विपरीत, 2 के विपरीत, तो आप समझिए भाई 2 के विपरीत ना तो 4 होगा ना तो 3 होगा और अगर 3 नहीं होगा तो 5 भी नहीं होगा, मतलब 2 के विपरीत ना तो 4 होगा ना तो 3 होगा ना तो 5 होगा, बचा क्या, 1 और 6 ही बचा है। तो चूंकि 1 6 यहां लिख दिए हैं इसीलिए यहां पे जब लिखेंगे तो 6 1 लिखेंगे। तो ये था हमारा आंसर, कब के लिए, जब हमको 2 सतह कॉमन दी गई। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए,
देखिए ये दो क्वेश्चन और समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा कि अगर दो सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है हमारे पास, तो जो दो सतह कॉमन है उसको छोड़ करके जो सतह अलग अलग है वही हमारी विपरीत होगी। मतलब देख रहे हैं एक दो तीन और तीन चार दो, तो तीन, अच्छा इसमें देखिए दो सतह कॉमन कर ली हमको, तो दो और तीन देख रहे हैं, दो तीन इसमें भी है, दो तीन इसमें भी है, बचा कौन, एक और चार। इसका मतलब एक का विपरीत क्या होगा, चार होगा, एक का विपरीत क्या होगा, चार होगा। फिर देखिए बचा क्या, दो और तीन, तो दो का विपरीत क्या होगा आपका, दो का विपरीत क्या हो जाएगा। अब पहले ये देखिए कि क्या दिख रहा है, दो के विपरीत तीन नहीं होगा क्योंकि तीन यहां पे दिख रहा है, और दो के विपरीत एक नहीं होगा क्योंकि एक यहां दिख रहा है। ठीक, दो के विपरीत तीन नहीं होगा, दो के विपरीत एक नहीं होगा। तो देखिए और देखिए, अगर एक नहीं होगा तो चार भी नहीं होगा क्योंकि एक के विपरीत चार है। तो बची कौन सी संख्या, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, बची हमारे पास पांच और छह। तो इसका मतलब दो के विपरीत या तो पांच होगा या तो छह होगा। उसी तरह तीन के लिए जब करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, अर्थात या तो छह होगा या तो पांच होगा। कहीं समस्या हो तो बताइएगा। इसमें देखिए आप देख रहे हैं पांच और छह इसमें भी है, पांच और छह इसमें भी है, तो जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब चार के विपरीत तीन होगा, चार के विपरीत तीन होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं छह और पांच के विपरीत क्या होगा। तो छह की विपरीत की बात की जाए तो देखिए सतह पर जो दिखता है हमको वो कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं दिखता। तो अगर हम देखें तो छह के विपरीत पांच नहीं होगा, चार नहीं होगा, मतलब पांच नहीं होगा, चार नहीं होगा। उसी तरह अगर हम इसमें देख लें तो छह के विपरीत तीन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चार के विपरीत तीन है, जिसलिए तीन जो है छह के विपरीत, छह के विपरीत नहीं होगा। बची कौन सी संख्या हमारे पास, भाई तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, हमारे पास बचा एक और दो। इसका मतलब छह के विपरीत या तो एक होगा या तो दो होगा। उसी तरह पांच के लिए देखिए, पांच के लिए भी छह होगा नहीं क्योंकि छह दिख रहा है हमको, चार होगा नहीं क्योंकि चार दिख रहा है हमको, और अगर चार नहीं होगा तो चार के विपरीत तीन है, तीन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब तीन चार पांच छह, बचा क्या, एक और दो। चूंकि एक दो यहां पे दिख चुके हैं इसलिए दो और एक दिख चुकी। तो ये है हमारा, अगर दो सतह कॉमन हो, अगर दो सतह कॉमन हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो तरीका हमारा ये था। कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर जरूर बताएंगे। और आप डाउट क्लास में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, जब कोई सतह कॉमन ना हो, जब कोई सतह कॉमन ना हो, केस दो में जब या नो कॉमन, नो कॉमन मतलब कोई सतह कॉमन ना हो, मतलब एक दो तीन चार पांच छह या चार दो चार पांच, एक तीन छह। देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि एक भी सतह कॉमन नहीं दिख रही है। अगर आपको एक भी सतह कॉमन नहीं दिख रही है तो आप वीडियो नंबर दो में जाइए, वहां पे हमने डाइस की परिभाषा बताई थी। डाइस की परिभाषा बताई थी कि कब हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा और कब हमारा सिंपल डाइस होगा, मतलब कब हमारा मानक पासा होगा, कब हमारा साधारण पासा होगा। तो मानक पासे वाले में हमने बताया था कि अगर नजदीक की सतह का योग सात ना हो, क्या बताया, नजदीक की सतह का योग अगर सात ना हो तो उसकी विपरीत सतह का योग सात होगा। ठीक,
वीडियो नंबर 2 नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, वो कांसेप्ट है, किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग की वीडियो जरूर देखा कीजिए, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में भी है, अभी जब वीडियो खत्म होगा तो वहां पर भी आपको मिलेगा, तो आप उसको जरूर देखिए। तो देखिए अब हमने क्या कहा कि अगर आपको 9 सतह कामन दिखे, मतलब कोई भी सतह कामन अगर ना हो, तो सिर्फ एक चीज आप चेक करिए कि क्या जो लिखा गया है कहीं उसका योग 7 तो नहीं हो रहा है। केवल यही एक चीज देखना है कि उसका योग 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 नहीं होगा तो दोनों, मतलब जो सतह विपरीत सतह होगी उसका योगफल 7 होगा, और अगर योग 7 मिल जाए, मतलब जो हमारी सतह दिख रही है उसमें किसी भी दो संख्या का योग 7 दिख जाए, तो जान लीजिएगा कि उसकी विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अब यहां पे देखें तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 7 नहीं मिला हमको, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 7 नहीं मिला हमको। अगर 7 नहीं मिलेगा, चूंकि नजदीक की, चूंकि वहां पे लिखना तो है नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना है, लेकिन फेयर बना रहे हैं तो वहां पे तो लिखना पड़ेगा ना, चूंकि नजदीक की सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 होगा, मतलब विपरीत सतह का योग 7 होगा, मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, 1 में क्या जोड़ेंगे 7 हो जाए बताइए, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 3 का विपरीत 4, फिर उसी तरह 2 का विपरीत क्या होगा, 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत 5। तो हम देख रहे हैं कि यही आ जाएगा आपका आंसर, अगर आपका नजदीक की सतह का योग 7 नहीं होगा तो जो विपरीत सतह होगी उसका योग 7। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर अगर हम जोड़े, देखिए 5 2 7, 6 और 1 7, 7 मिल गया, अगर एक ही कोई जोड़ लीजिए, अगर किसी एक में भी 7 मिल जाएगा, चाहे इसमें मिल जाए चाहे इसमें मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में 7 मिलना चाहिए, किसी भी एक संख्या में अगर 7 मिल जाएगा तो जान लीजिएगा कि वो जो है हमारा साधारण पासा है, सिंपल डाइस है, और साधारण पासे में विपरीत का योग कभी 7 नहीं होगा। तो विपरीत का योग कभी 7 नहीं होगा, चूंकि नजदीक की सतह का योग 7 है, इसलिए चूंकि नजदीक की सतह का योग 7 है, इसलिए विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं 5, 4 और 2 का विपरीत क्या होता है। हमने एक चीज अभी बताया था कि जो सतह हमको दिखती है वो कभी एक दूसरे की विपरीत नहीं होती है। तो चलिए, मतलब 5 के विपरीत, अगर 5 हम ले रहे हैं तो 5 के विपरीत 4 नहीं होगा, 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, ठीक। 5 के विपरीत 4 नहीं होगा, 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, ये तो हमको पता चल गया। तो 5 के विपरीत होगा क्या भाई, 5 के विपरीत 1 हो सकता है, तो चूंकि 1 यहां नहीं लिखे हैं, 5 के विपरीत 3 हो सकता है, ठीक, क्योंकि 3 भी यहां नहीं लिखे, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 5 के विपरीत या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। उसी तरह अगर 4 की बात करें तो 4 के विपरीत ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा, ये तो हमको पता है कि 4 के विपरीत ना तो 2 होगा और ना ही 5 होगा, क्यों, क्योंकि 4 के विपरीत 2 और 5 हमको दिख रहा है। तो होगा क्या भाई, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत हमारा 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता, इसलिए 3 भी नहीं होगा,
तीन भी हमारा चार के विपरीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह का योग सात नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो चार के विपरीत क्या होगा? चार के विपरीत छह हो सकता है। तो दो तीन चार पांच छह, ठीक, और एक। तो चार के विपरीत या तो छह होगा और या तो चार के विपरीत एक होगा। उसी तरह अगर दो की बात करें तो दो के विपरीत चार नहीं होगा और दो के विपरीत पांच नहीं होगा। दो के विपरीत चार नहीं होगा और दो के विपरीत पांच नहीं होगा। तो दो चार पांच नहीं होगा तो होगा क्या? देखिए, दो के विपरीत तीन होगा, हो सकता है। फिर चार नहीं होगा, पांच नहीं होगा, छह हो सकता है, ठीक। तो देखिए क्या क्या लिख लिया हमने, दो तीन चार पांच छह, अभी एक बचा है, एक। तो यानी कि दो के विपरीत या तो तीन होगा या तो छह होगा या तो एक होगा। कहीं समस्या है? केवल यहां पे यही दो चीज याद रखिए, नजदीक की सतह का योग सात है तो विपरीत की सतह का योग सात नहीं होगा, और अगर नजदीक की सतह का योग सात नहीं है तो विपरीत की सतह का योग सात होगा। यही चीज आपका केस वन में है जब आपको एक सतह दी जाए। केस वन में क्या है? जब आपको एक सतह दी जाए तब भी आपका यही रूल लगेगा जो अभी हमने बताया। केस वन में है जब एक सतह दी जाए, मतलब केवल यही लिख दिया जाए और कह दिया जाए इसका विपरीत बताइए, या फिर ऐसे लिख दिया जाए कह दिया जाए विपरीत बताइए, या फिर ऐसे लिख दिया जाए कह दिया जाए विपरीत बताइए। तो क्या करेंगे? केवल एक सतह अगर दी जाए, तो अगर केवल एक सतह दी जाए तो उसमें केवल योग देखिए कि कहीं योग सात तो नहीं हो रहा है। अगर सात होगा, योग अगर सात होगा तो फिर साधारण पासा, और अगर योग सात नहीं होगा तो मानक पासा। अभी अभी जो मैंने लिखा एकदम सेम टू सेम वही रूल लगेगा। तो ये तीन का आंसर आप बताएंगे सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक। तो ये था हमारा कि जब आपको एक सतह दी गई हो, जब आपको दो सतह दी गई हो और दो से अधिक भी दी जाए ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दो से अधिक सतह दी जाए तो आप कोई भी दो सतह ले लीजिए जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, कोई भी दो सतह ले लीजिए जिसमें एक सतह कॉमन हो, उसके बाद एक सतह कॉमन वाला रूल लगा दीजिए कोई भी दो सतह लेकर के, ठीक। तो अब जब हम लोग कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब फिर हमको समझ में आएगा कि क्या हमने सीखा और क्या नहीं सीखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम भी आपको और अच्छा देने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।